नमस्कार, प्रॉप गाइड शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्रीनिवास राउत। पिछले हफ्ते सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने NCR क्षेत्र में दूसरे नए एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी। तो ये जो नया एयरपोर्ट आने वाला है राजस्थान के भिवाड़ी क्षेत्र में, इसकी वजह से वहाँ के आसपास के रियल इस्टेट सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आज हमारे साथ है अंकुर धवन, चीफ बिजनेस ऑफिसर रीसेल प्रॉप टाइगर। मिस्टर धवन, आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। तो मिस्टर धवन, NCR के भिवाड़ी एरिया में ये आने वाले दूसरे एयरपोर्ट की वजह से वहाँ के प्रॉपर्टी प्राइसेस पे इसका क्या असर होगा? आई थिंक भिवाड़ी का जो डिसीजन अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है, अगर मैं देखूं कि इसके लिए नोएडा भी ट्राई कर रहा था और एक बात उठी थी कि नोएडा में सेकेंड एयरपोर्ट जेवर में आने वाला है, तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो मेरे ख्याल से गुड़गांव का इतना बेनिफिट नहीं हुआ भिवाड़ी में एयरपोर्ट आने से, जितना कि नोएडा का लॉस होगा। अगर आप देखें आज के टाइम में एक एयरपोर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो कि गुड़गांव के बहुत पास है, पर नोएडा में जो कंपनीज वर्क कर रही हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए आज के टाइम में एयरपोर्ट जाना मतलब कि कम से कम एक से सवा घंटा रोड पर बिताना है। सो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि नोएडा में एक एयरपोर्ट खुल जाता और वो वहाँ पे पास जा सकते हैं। अब क्योंकि नया एयरपोर्ट भिवाड़ी में डिसाइड हो चुका है तो वहाँ पे ऑब्वियसली उसके कारण आसपास की प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ेंगे। एंड ये एयरपोर्ट जो है ये पार्ट है DMIC का, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसके कारण भिवाड़ी, ग्रेटर भिवाड़ी और निब्राणा में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। ये उसका पार्ट बनेगा, इसके कारण काफ़ी नया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी एक्सपेक्ट करते हैं भिवाड़ी में, जिससे इसके प्राइसेस बढ़ेंगे। मल्टी ट्रांजिट सिस्टम, इंटीग्रेटेड फ्रीट कॉम्प्लेक्स, इस तरह के कई नए प्रोजेक्ट भिवाड़ी के आसपास के एरिया में आ रहे हैं। तो क्या हम ये सोचें भिवाड़ी अगला गुड़गांव होने वाला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप देखिए आज के टाइम में जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो सोना को नए गुड़गांव की तरह, ग्रेटर गुड़गांव की तरह प्रोजेक्ट कर रहे थे, और अब क्योंकि भिवाड़ी में नया एयरपोर्ट आ रहा है, उन्हें दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या वो सोना की बात करेंगे कि वो भिवाड़ी की बात करेंगे। तो इससे काइंड ऑफ मुझे लगता है कि सोना को थोड़ा सा नुकसान होगा, क्योंकि भिवाड़ी में एक एयरपोर्ट आ रहा है और भिवाड़ी में उस तरह की जेंट्री रहना शुरू कर देगी। इससे काफ़ी कंपनीज जो सो आज के टाइम में अगर हम भिवाड़ी की देखते हैं किस तरह के लोग वहाँ कंपनीज हैं, तो मोस्टली इंडस्ट्रियल है वहाँ पर, तापूखेड़ा, भिवाड़ी, खुशखेड़ा, इन सब बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी हैं और बहुत सारी नई आ रही हैं। इन इंडस्ट्रीज़ में मोस्टली जो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं, जिनकी सैलरीज इतनी हाई नहीं होती, तो उस तरह के ही घर बने हैं। बट अगर अब एयरपोर्ट आ रहा है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ अच्छी जेंट्री, कुछ अच्छे हाई लेवल, हाई सेगमेंट के लोग भी वहाँ रहने लगेंगे उस एयरपोर्ट को सपोर्ट करते हुए, या कुछ कंपनीज वहाँ वैसी जाएंगी जिसके कारण ये एयरपोर्ट को प्रॉपर ट्रैफिक मिल पाएगा, तो इससे वहाँ के प्राइसेस बढ़ने चाहिए। 2031 के करीब भिवाड़ी की जनसंख्या लगभग 15 लाख के करीब पहुँचने वाली है, तो क्या आपको लगता है इस बढ़ती हुई जनसंख्या को सपोर्ट करने के लिए भिवाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त है, और इस नई एयरपोर्ट के आने की वजह से भिवाड़ी के बड़े पिक्चर में इसका क्या योगदान रहेगा? अगर आप देखिए कि आज के टाइम में जो भिवाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत थोड़े एरिया के लिए बनाया गया है, क्योंकि आज के टाइम में जो रहने के लायक घर हैं वो अलवर रोड की स्टार्टिंग में ही मिलते हैं, हाँ, जहाँ पर आपका भिवाड़ी शुरू होता है। जैसे जैसे भिवाड़ी से आप तापूखेड़ा, खुशखेड़ा के लिए बढ़ना शुरू करते हैं, आपको नया कंस्ट्रक्शन बहुत मिलता है, बट वहाँ पर आज के टाइम में रहने के लिए घर नहीं बने हुए हैं। जैसे जैसे घर कंप्लीट होंगे वैसे वैसे वहाँ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल सब बनना शुरू होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है आज के टाइम में, एक बहुत छोटी सी रोड है जो कि भिवाड़ी को सपोर्ट कर रही है, बट जैसे जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नई नई इंडस्ट्री आएंगी, वैसे वैसे हमें उम्मीद है कि वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। एयरपोर्ट एक पहला कदम है इस दिशा में जहाँ पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, पर मुझे लगता है यहाँ पर, क्योंकि आप तो सिर्फ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, 15 लाख वहाँ की पॉपुलेशन हो जाएगी, मेरा मानना है वहाँ पर बहुत सारी नई इंडस्ट्री भी आएगी। करीबन 700 एकड़ में एक नया इंडस्ट्रियल पार्क क्रिएट हो रहा है, वो इंडस्ट्री भी अपने साथ एक एम्प्लॉयमेंट लेके आती है, तो उस एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करने के लिए, उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए हर तरह का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो सीवर लाइन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो वहाँ का आपको ओवरऑल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। भिवाड़ी की ज़्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बहुत ही एक सीमित एरिया में समाई हुई है, तो क्या इस एयरपोर्ट के आने की वजह से हम ये सोचेंगे और या कह सकते हैं कि वहाँ के जो हाउसिंग प्राइसेस हैं वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ने वाले हैं? देखिए, अगर आप देखिए एयरपोर्ट की अभी सिर्फ बात शुरू हुई है, अगर आप देखेंगे एयरपोर्ट कब तक आएगा तो मे बी 8 से 10 साल लग जाएंगे इस एयरपोर्ट को आने में, तो आज के टाइम में उसके लिए प्राइस बढ़ना ज़रा मुझे लगता नहीं है। दूसरा बात यह है कि अगर आप भिवाड़ी की आज की पॉपुलेशन देखते हैं, वो मोस्टली जो है वो लोअर इनकम सैलरी वाले लोग होंगे और उनकी अफोर्डेबिलिटी एक लिमिट तक ही हो सकती है, तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ कोई 1 करोड़ का घर खरीदेगा भिवाड़ी में आज के टाइम में, तो मुश्किल है। तो 10 साल के बाद ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उसका इम्पैक्ट प्राइस पे आएगा। आज के टाइम में ये कहना कि बिकॉज एयरपोर्ट आ गया है
प्राइस बढ़ेंगे वो मेरे लिए गलत होगा। शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर धवन। थैंक्स। आप देखते रहे हमारा शो, तब तक नमस्कार।